हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ न्यू डिजाइन डोरमेट। इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 28 फंदे ले लिए हैं और देखिए हम फर्स्ट रो में ही इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दो फंदे उतार लिए बिना बुने। अब यहाँ से बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, लास्ट के दो फंदे तक हम इसको बनाएंगे ऐसे ही। तो हम बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया और 24 फंदे मैंने बना लिए, दो फंदे बिना बुने छोड़ दिए, इधर दो फंदे उतार लिए थे। अब बूल को यहीं से इधर को कर लेंगे और यहाँ से पूरी रो उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 24 फंदे हम बीच में उल्टे बुन लेंगे ऐसे। ये देखिए इधर से भी ये रो कंप्लीट कर ली, यहीं से पलट लेंगे। जो फंदे उतारे थे वही मैंने इधर से छोड़े हैं। आप देखिए यहाँ से हम दो फंदे फिर से उतार लेंगे बिना बुने और यहाँ से ये देखिए बीच के फंदे ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और देखिए बीस। अब देखिए बीस फंदे मैंने इसमें बुन लिए बीच में और दो बिना बुने इधर भी छोड़ दिए। अब देखिए चार फंदे इधर छूट गए और चार इधर छूट गए। अब इसी तरीके से दोनों तरफ दो दो फंदे छोड़ते हुए लास्ट के चार फंदे तक हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने लास्ट चार फंदे तक इसको बुन लिया है और देखिए 12 फंदे मैंने इधर छोड़ दिए, 12 ही इधर छोड़ दिए। अब देखिए बुल को इधर कर लेंगे, सिर्फ इन चार फंदों को ही हम बुनेंगे ऐसे। ये देखिए दो और दो चार, सिर्फ चार फंदे हैं हमारे पास, यहीं से हम पलट लेंगे। अब देखिए इस तरह से ये हाफ कली बन गई है हमारी। अब यहाँ से हम हाफ कली में ब्लैक कलर ऐड कर लेंगे। तो देखिए एक दो तीन चार, ये सिर्फ चार फंदों में ही मैंने ऐड किया और यहाँ से पलट लिया, एक दो तीन चार। अब देखिए यहां से हम इस बुल को इधर कर देंगे और देखिए ये चार फंदे बनाने के बाद दो दो फंदे, दो इधर से दो उधर से, दोनों तरफ से हम बढ़ाएंगे। तो फंदे मुझे इस तरीके से बढ़ाने हैं, ये वाले फंदे जो रेड हैं इनको हम पहले इस वाली सिलाई पे लेंगे और यहाँ से उल्टे तरफ से हम थोड़ा सा धागा खींच लेंगे और ये दो फंदे देखिए मैंने इधर ले लिए और यहाँ से हमने ये बना लिया। और देखिए यहाँ पे गैपिंग आ रही है तो हम यहाँ से फंदा उठाएंगे ऐसे, दो फंदे उठा लिए, अगले फंदे के साथ बना दिया। तो दो फंदे हम आगे से लेंगे, एक और दो, यहीं से पलट लेंगे, बुल को हमने घुमा लिया इधर और यहाँ से उल्टा बनाएंगे ऐसे। ये देखिए ये बना लिया। अब देखिए इस बुल को हम इधर कर देंगे और ये वाले फंदे ऐसे उतार लिए और यहाँ से मैंने एक और दो। अगर आपको यहाँ पे गैपिंग लग रही है तो आप यहाँ से थोड़ा सा फंदा उठा सकते हैं ऐसे और इस फंदे के साथ ऐसे बुन लीजिए इस तरह से। हमारे बुल है तो इसमें गैपिंग नहीं आ रही है, मैं ऐसे ही बनाऊंगी इसको। देखिए अगर आप कपड़े से बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा आ जाए गैपिंग आपके में। ये देखिए अब हम यहाँ से देखिए दो फंदे उठाएंगे उल्टे तरफ से ऐसे और इस फंदे के साथ बना देंगे, दो फंदे हम आगे से लेंगे ये देखिए और यहीं से पलट लेंगे, यहाँ से पूरी रो उल्टा बुनेंगे ऐसे।
ये देखिए, आप देखिए इसी तरह से हम यहाँ तक पूरे फंदे ले लेते हैं दो दो करके, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से मैंने सभी फंदे ले लिए हैं और सारे फंदे हमारे पास ये ब्लैक के हो गए। और देखिए हाफ ये रेड बनी है कली और हाफ ब्लैक बनी है, तो इस तरह से ये कली पूरी हो गई। आप देखिए यहाँ से हम इसमें तीसरा कलर ऐड कर लेंगे, ये पिंक कलर कर रहे हैं। और देखिए यहाँ से एक दो, इस वाली बुल को हम इसी में दबाते हुए जाएंगे, तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। ये देखिए मैंने इसमें से आधे फंदे बुने, 28 फंदे का है तो यहाँ पे मैंने ये 14 फंदे छोड़ दिए। सिर्फ 14 फंदों में मैंने ब्लैक कलर के जो थे उनमें हमने पिंक कलर लगा लिया। आप देखिए हमने बुल को इधर किया और यहीं से इसको पलट लिया, यहाँ से हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई। आप देखिए यहाँ से हम इस फंदे को उतार लेंगे और बुल को अपने तरफ करेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम एक एक फंदा छोड़ते हुए इसको बनाएंगे। ये देखिए यहाँ तक बना लिया, 13 फंदे मैंने बुन लिए, एक बिना बुने छोड़ दिया, यहीं से पलट लिया और यहाँ से हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे पूरा। ये देखिए आप देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे 7 फंदे छोड़ेंगे, फिर आगे का आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 फंदे छोड़ लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 7वां फंदा जो मैं छोड़ूंगी तो कलर ऐड कर लूंगी, ग्रीन कलर। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देखिए ये 7वां फंदा छोड़ दिया मैंने, 6 पहले छोड़ दिए थे और यहीं से पलट लिया इस तरह से, ये रो कंप्लीट कर ली। अब यहां से देखिए इसी तरह से हम इन फंदों को भी छोड़ते जाएंगे, लास्ट का एक फंदा ये यहाँ पे 2 फंदे रह जाएंगे, एक साइड फंदा और एक ये। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे तक हमने इसको बना लिया, एक एक फंदा छोड़ते हुए लास्ट में 2 फंदे तक आ गए। अब देखिए जिस तरह से हमने एक एक फंदा छोड़ा है उसी तरह से हम आगे से एक एक फंदा लेते जाएंगे। तो देखिए इस फंदे को तो उतार लेंगे, बुन को अपने तरफ कर लेंगे, यहाँ से 1 और 2 फंदे बनाने के बाद हम यहीं से इसको पलट लेंगे ऐसे, इस तरह से। आप देखिए वापस यहाँ से 1 2 और देखिए ये गैपिंग हो रही है, तो यहाँ से हम ऐसे फंदा उठा लेंगे और इस फंदे के साथ ऐसे बना देंगे। ये फंदा ले लिया और यहाँ पे गैपिंग भी खत्म हो गई। अब देखिए 1 2 3 4 इस तरह से हम फंदे को बढ़ाते जाएंगे आगे से। 1 उतार लिया, बुल अपने तरफ, 2 3 4। अब देखिए गैपिंग आ रही है तो हम यहाँ से ऐसे फंदा उठा लेंगे और इस फंदे के साथ ऐसे बना देंगे 2 का 1, यहीं से पलटते जाएंगे इस तरह से। वापस देखिए इस फंदे को उतार लिया, बुल को अपने तरफ, ये देखिए। और देखिए आप इस तरीके से इधर से भी फंदा उठा सकती हैं जिधर आपको अच्छा लगे ऐसे।
यहाँ से दो फंदे उठा लीजिए, इस फंदे के साथ तीन का एक कर दीजिए, यहाँ से पलट के ये देखिए। अब यहाँ से फिर से पलट लेंगे और पुल इधर करके इन फंदों को ऐसे ही बनाएंगे। और देखिए यहाँ से हम एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, एक यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे ये तीन का एक कर देंगे। ये देखिए ग्रीन तक मैंने फंदे ले लिए। यहाँ से हम पलट लेंगे और इस रो को हम उल्टा बना लेंगे ऐसे। ये देखिए आप देखिए हम यहाँ से ये पिंक कलर लगा लेंगे तो इस तरह से। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे मैंने बुने, एक आगे से लेंगे। उससे पहले हम गैपिंग को खत्म करेंगे, एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से, ऐसे तीन का एक कर दें और यहीं से हम पलट लेंगे। अब देखिए इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये कली भी बना ली है। आप देखिए ये वाली कली फिर से रिपीट करूंगी मैं। तो यहाँ से देखिए मैं सबसे पहले रेड कलर लगाऊंगी जो स्टार्टिंग में लगा हुआ है। तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ये देखिए चौदह फंदे मैंने ये ले लिए। अब चौदह फंदे ये ब्लैक वाले भी ले लूंगी। उससे पहले यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गैपिंग आएगी तो आपको इस तरह से फंदे उठा के इस फंदे के साथ बना देना है। ये देखिए ऐसे, तो यहाँ से देखिए अब पूरी रो हम इसे रेड से ही बुन लेंगे। और देखिए इस रो में हमने 28 फंदे पूरे बुन लिए ऐसे। ये देखिए इस तरह से, अब देखिए यहाँ से हम ये रो उल्टी बुनते हुए जाएंगे। एक फंदा उतार लेंगे ऐसे, पूरा उल्टा बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ से हम दो फंदे उतारेंगे, यहाँ से दो फंदे छोड़ेंगे और लास्ट चार फंदे तक इसको बुनेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रेड वाले में बुना था। उसके बाद हम यहीं से ब्लैक कलर लगा लेंगे। तो ये वाली कली फिर बना के कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हाफ फंदों में ऐसी कली बनाएंगे। तो मैं बना के पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।